टिलर हो गया, हैरो हो गया, लेजर हो गया, सभी जो है किलो के भाव कृषि यंत्र दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको किलो के भाव कृषि यंत्र मिलने वाले हैं। जी साहब, मिल जाएंगे किलो के हिसाब से। हैरो, टिलर, लेजर, कल्टीवेटर, ये हम आपको तोल में ही दे देंगे। तोल में दे दोगे किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। कितने रुपए किलो देने वाले? कम से कम 30,000-40,000 रुपए कम से कम जमा कर ही दे साहब। किस्तों पर व्यवस्था हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल साहब। किसान भाई का एक आधार कार्ड, 4 चेक, 3 ब्लेड और साइडों में देख सकते हैं जी। पहले तो इसमें 3 ब्लेड क्यों लगाया आपने? ये ब्लेड हेलिकल व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये ब्लेड जमीन के अंदर घुसेगा जी। जब ये आधा घुस जाएगा तब ये घुसना शुरू होगा दूसरा ब्लेड। ऐसे रोटेशन करने करने में 1.5 ब्लेड एक टाइम में हमारा लगता है, जो जिसकी वजह से ट्रैक्टर में बहुत कम लोड आता है। हर प्रकार की हम इसमें गारंटी देंगे। टूट फूट कुछ भी होता है इसमें, उसकी जिम्मेदारी हमारी। हम पूरे रोटावेटर की, टिलर हो गया, हैरो हो गया, लेजर हो गया, सभी जो है किलो के भाव कृषि यंत्र दिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में आपको किलो के भाव कृषि यंत्र मिलने वाले हैं। सर हमारे साथ जुड़े हुए, नमस्कार सर। नमस्कार साहब। तो ये बताइए सर, जैसा कि अभी मैंने अपने किसान भाइयों से कहा था, किलो के हिसाब से आज कृषि यंत्र मिलने वाले हैं? जी साहब, मिल जाएंगे किलो के हिसाब से। हैरो, टिलर, लेजर, कल्टीवेटर, ये हम आपको तोल में ही दे देंगे। तोल में दे दोगे किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। कितने रुपए किलो देने वाले हो? आज का रेट साहब 85 रुपए किलो का चल रहा है, लेकिन आने वाले समय के हिसाब से अगर लोहे पे रेट बढ़ जाता है तो उस पर पैसा बढ़ा दिया जाएगा जी। मतलब जैसा उस टाइम रेट चल रहा होगा लोहे का, तो उसके हिसाब से आज की तारीख में लेजर, टिलर और हैरो मैं आपको 85 रुपए किलो में दे दूंगा। 85 रुपए किलो में दे दोगे? तोल में दे दूंगा जी। तोल में ले जाओ, तोल में ले जाए मेरा किसान भाई। ले जाओ हाँ जी, बिल्कुल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, इनकी क्वालिटी देख सकते हैं आप, कंडीशन देख सकते हैं। ये हैरो हो गई हमारी, और इधर लेजर हो गए, लेजर दिखा सकते हैं जी, देख सकते हैं किसान भाइयों। अभी इस वीडियो में मैं आपको पूरी सभी ये कृषि यंत्र दिखाने वाला हूं, जो 1 किलो के हिसाब से देने वाले हैं। देख सकते हैं किसान भाइयों आप यहां पर, और ये हैरो देख सकते हैं आप, एक से एक मॉडल की जी। ये डिस्क रोलर है, ये डिस्क रोलर है सादा वाला। ये भी किलो के हिसाब से मिलेगा? किलो के हिसाब से साहब, 85 रुपए किलो। 85 रुपए किलो मिल जाएगा? 80 किलो इसमें वजन आएगा, उसके हिसाब से पैसे इसको मिलेंगे जी। और कल्टीवेटर? कल्टीवेटर में साहब 85 रुपए किलो आज की रेट में, आज लेकिन लोहा बढ़ जाएगा साहब, फिर बड़े वही पैसे लगेंगे जी। आज का रेट हम आपको 85 रुपए किलो में दे देंगे जी। जिस टाइम ये वीडियो बन रही है उस टाइम 85 रुपए किलो, आज का रेट 85 रुपए किलो जी। देख सकते हैं आप दुनिया भर के मेरे पास हॉट टिलर के मॉडल भी हैं, लेजर भी हैं, टिलर के मॉडल भी हैं, आप देख सकते हैं जी। ये देख सकते हैं आप हैरो, हैरो ये वाली हैरो, सब मतलब किलो के भाव, सब किलो के भाव। ये टिलर आप देख सकते हैं जी, देख सकते हैं किसान भाइयों आप। ये भी आप हैरो दिखा दीजिए इधर की, दुनिया भर की। और भी माल आ रहा है, वो बहुत जल्दी आपको पास 1-2 दिन में और आपको एक नई वीडियो भेजेंगे जी, नए माल के साथ जी। अभी जो है माल और आ रहा है, अभी और माल आ रहा है जी। तो आता रहेगा साहब, जाता रहेगा, तो सीएन चलना है, आता रहेगा जाता रहेगा जी। देख जी, सकते हैं किसान भाइयों यहाँ पर आपको ये हैरो जो है ये भी किलो के भाव मिलने वाली है, मिलने वाली है। आगे आप टिलर भी दिखा दो थोड़े से, ये हैरो भी दिखा दो, दिखा दीजिए। ये टिलर दिखाइए आप, क्वालिटी कंपनी के बहुत शानदार टिलर है, देख सकते हैं किसान भाइयों। ये भी किलो के भाव है, ओरिजिनल बोल्ट, ओरिजिनल लक्का, सारी चीजें हैवी सब कुछ जी। इस वीडियो में मैं आपको रोटावेटर दिखाने वाला हूँ, रोटावेटर की क्या क्वालिटी होने वाली है, कितनी कीमत रहने वाली है, कैसा चलेगा कैसा नहीं चलेगा, सभी के बारे में वीडियो में बात की जाएगी। सर हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार सर। नमस्कार किसान भाइयों। तो सर सबसे पहले मैं चाहूँगा आप मेरे किसान भाइयों को अपने एक छोटा सा परिचय करवा दें। मेरा नाम साहब अंकित कंसल है, मैं चांदपुर निवासी हूँ, चांदपुर जिला बिजनौर में। मेरी दुकान दिल्ली रोड पर अंबेडकर चौक के निकट जी, अंबेडकर चौक और यहाँ रेलवे फाटक है, इन दोनों के बीच में सीधे हाथ में मेरी दुकान पड़ेगी, जिसका नाम कंसल उद्योग और साई टायर एंड एग्रीकल्चर हो जाए, आप दिखा सकते जी, देख सकते हैं। कंसल उद्योग फर्म मेरी 75 साल पुरानी फर्म है, जिसको मेरे दादाजी से लेके मेरे पिताजी और अब हम लोग चला रहे हैं जी। उससे ही लगती हुई दुकान मेरी साई टायर एंड एग्रीकल्चर हो, आप दिखा सकते हैं जी। ये मेरा ऑफिस है जी। तो जैसे कि मैंने अपने किसान भाइयों से कहा था, आज की इस वीडियो में मैं अपने किसान भाइयों को रोटावेटर के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो जैसे कि ये रोटावेटर देख सकते हैं, पहले तो कंपनी का नाम बताइए। सर हमारी कंपनी का नाम है सत्यम जी, सत्यम रोटावेटर। इसका एक मॉडल आता है चेतक मॉडल जी, इसके और भी मॉडल आते हैं, वो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा जी, लेकिन ये हमारी कंपनी का सबसे हैवी मॉडल माना जाता है जी। चेतक मॉडल जो है वो सत्यम कंपनी का सबसे हैवी मॉडल है, क्योंकि इसमें सामान हर प्रकार का हैवी लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किसान भाइयों, 90 mm का मोटी प्लेट, पूरा एक्यूरेट 90 mm का मोटा पाइप मैं आपको दूंगा इसमें जी, ठीक है जी। इसमें हैवी क्लेम्प लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि शक्तिमान और मेसो वगैरह में लगते हैं जी, सेम उसी टेंट में। इसका गेयर बक्सा आप देख सकते हैं, ये 13-23 का गेयर बक्सा होता है जी, ये 13-23 का गेयर बक्सा है। एक हमारा दूसरा मॉडल भी, उसमें भी आप देख सकते हैं, आप इधर आइए जी। ये आप 11-22 का गेयर बक्सा भी हमारा देख सकते हैं, छोटा गेयर बक्सा, सादी पट्टी, सादी पट्टी भी देखेंगे आप जी, सादी पट्टी में वाला मॉडल और सादा गेयर बक्सा जो टिलर वगैरह में लगती है। ये हमारी कंपनी ने 12 mm मोटी ब्लेड का ये फ्लेंच बनाया है जी, इसकी एक साल की हर प्रकार की हम इसमें गारंटी देंगे। टूट फूट कुछ भी होता है इसमें, उसकी जिम्मेदारी हमारी, हम पूरे रोटावेटर की।
आपका कहने का मतलब है एक साल के अंदर कोई भी रूटावेटर के अंदर कोई दिक्कत आती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब करके दिया जाएगा? सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दिया जाएगा। जो सामान टूटेगा वो हम आपको बता देंगे, एक्सीडेंट में कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी सबकी जिम्मेदारी हमारी। जी, और अब मैं बात करता हूँ इसमें ब्लेड की, ब्लेड किस क्वालिटी के हैं सर? ब्लेड साहब बोरोनी स्टील के, सत्यम कंपनी अपने ब्लेड बना रही है, आप दिखा सकते हैं इसमें हर ब्लेड पे आपको मोहर मिलेगी, देख सकते हैं किसान भाई, आप दिखा सकते हैं सत्यम के ब्लेड की मोहर जी आपको बिल्कुल डायरेक्ट देखने को मिलेगी। सत्यम अपने ही ब्लेड बनाते हैं, अपने ही बोल्ट बनाता है जी। हाँ, तो क्वालिटी जो है नंबर पर मिलने वाली है, बिल्कुल नंबर वन वाली है। हमारे नक्के जिसमें रूटावेटर की पिने लगेंगी, जिसमें ट्रैक्टर जोड़ा जाएगा, इसमें हमने बीच में ये आप देख सकते हैं जी ये चीज लगाई है जिससे ये पिन की चौड़ाई कभी ना बढ़े। रूटावेटर लंबे समय तक चलेगा तो वो इन सुराखों को चौड़ा कर देता है जी। हमारी कंपनी ने इसमें ये सॉकेट लगाए हैं जिससे पिन अंदर जाएगी, कभी जिंदगी में आपके यहाँ के सुराख चौड़े नहीं होंगे। और अगर इसमें फिर भी कोई बात होती है मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बदल के दूंगा जी। मतलब कोई दिक्कत आती है, कोई दिक्कत आती है भाई को, बिल्कुल बिल्कुल फ्री जो है। सुराख चौड़े होते हैं, फटता है या तो कुछ जैसे और कंपनी को फट जाते हैं जी। हमारी कंपनी ने बुश लगा रखे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर क्लियर जी। और जिंदगी में आपको सुराख चौड़े नहीं करेगी जी। 10.88 mm के हम तीन बोल्ट ऊपर और तीन बोल्ट नीचे हमारे नक्के में आप देख सकते हैं, यहाँ पे खींचे हुए टाइट खींचे हुए हैवी पाइप में जी, देख सकते हैं किसान भाई आप। और जो है सब्सिडी पास है रूटावेटर, सब्सिडी पास रूटावेटर है साहब, किसी भी जिले में इसकी सब्सिडी हो जाएगी जहाँ आप चाहो जी, देख सकते हैं किसान भाई। बात साहब इसके मैं रूटावेटर में ब्लेडों की बात बताऊंगा, हमारे रूटावेटर के ब्लेड हेलिकल व्यवस्था में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहले ये ब्लेड जमीन के अंदर घुसेगा जी, जब ये आधा घुस जाएगा तब ये घुसना शुरू होगा दूसरा ब्लेड, ऐसे रोटेशन करने करने में पौने दो ब्लेड एक टाइम में हमारा लगता है, जो जिसकी वजह से ट्रैक्टर पे बहुत कम लोड आता है जी। मतलब ट्रैक्टर भी जो है बिल्कुल लोड फ्री, बिल्कुल लोड फ्री चलेगा, ये हमारी जिम्मेदारी। तीन ब्लेड और साइडों में देख सकते हैं जी। पहले तो किसान तीन ब्लेड क्यों लगाया आपने? ये पहले किसान भाइयों हम आपको अपना पुराना मॉडल भी दिखाते हैं जी, देख सकते हैं किसान भाइयों, देख सकते हैं साहब ये हमारा पुराना मॉडल है, इसमें तीन ब्लेड साइड में नहीं लग रहे जी। लेकिन जिन जिनको ये रूटावेटर दिया किसान भाइयों की बहुत सो कुछ शिकायत है कि साहब साइड में मट्टी लगी रह जाती है, जिस वजह से उस मट्टी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमने तीन ब्लेड साइड में लगाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आराम से, ये आप तीन ब्लेड देख रहे हैं, यहाँ कभी जिंदगी में आपकी साइड में मट्टी नहीं रुकने की जी, इन तीन ब्लेडों की वजह से जी। हमारी सत्यम कंपनी के साहब अपने तीन मॉडल आते हैं जो 48 ब्लेड में भी आता है, 54 ब्लेड में भी आता है और 60 ब्लेड में भी आता है जी। वो ब्लेड ज्यादा नहीं होते, इन ब्लेडों का छोटा साइज थोड़ा करके वो इनको यही 60 ब्लेडों का एडजस्ट करा जाता है जी, ठीक है जी। तो मतलब कंपनी ने जो है ये अपनी तरफ से लगा दिया है हमारे रूटावेटर में साहब, आप देख सकते हैं 20 mm मोटा स्प्रिंग लगा हुआ है ये वाला जी, जो कि और मुकद और बिल्कुल ठोस जी, ये खोखला नहीं है बिल्कुल ठोस, आप देख सकते हैं हैवी स्प्रिंग के साथ भाइयों जी। और अब मैं बात करता हूँ पटले की, पटले की क्या क्वालिटी है? पटले की क्वालिटी आप देखिए 6 mm दो टिक ब्लेड की, तो हमारी चद्दर का ये पटला बना हुआ है जी। उसके बाद ये 12 mm की पट्टी इसमें साइड में लगाई हुई है, जिसमें अगर ये जमीन में भी घुसेगा कभी जिंदगी में नहीं मुड़ने का जी। आज तक सत्यम कंपनी के चेतक मॉडल में ये शिकायत नहीं आई है जी, किसी प्रकार की भी जी। उसके बाद आप तवे की क्वालिटी देख सकते हैं जी, तवे की क्वालिटी भाई आप तवे देख सकते हैं किसान भाई, लग रहा हैवी तवा है जी, और हैवी ही इसका फ्रेम है जी। और जैसे कि आपने कहा था कि और भी मॉडल आते हैं, दूसरा मॉडल कौन सा? एक हमारी कंपनी का साहब GTS के नाम से मॉडल आता है, ये देख सकते हैं आप GTS पंजाब के नाम से हमारा मॉडल आ रहा है जी। इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा गियर बक्सा का इस्तेमाल कर रहा है, 11x22 का इसमें गियर बक्सा दिखाया मैं आपको जी, ठीक है जी जी। इसमें 11x22 का आपका गियर बक्सा है जी, थोड़ा पाइप इसमें थोड़ा 78 mm का कर दिया गया है, चेतक का 90 mm का, वो चेतक मॉडल है, ये GDS मॉडल है, ठीक है सर। है दोनों सत्यम के, ये भी सत्यम का ही, आप देख सकते हैं किसान भाइयों जी, है ये भी सत्यम का, दोनों मॉडल सत्यम के ही हैं। हाँ, लेकिन बाजार में और जो दूसरे लोकल रूटावेटर आ रहे हैं उसको कॉम्पीट करने के लिए हमारी कंपनी ने आपको हमारा ये मॉडल तैयार करा है, इसमें आप पाइप भी दे सकते हैं, 78 mm मोटा पाइप लग रहा है जी। और मतलब और क्या क्या अंतर है दोनों में? इसमें एक आप सादी पट्टी देख सकते हैं, इसमें सादी पट्टी है, आप देख सकते हैं इसमें जो जैसे टेलर वगैरह में पट्टी इस्तेमाल करते हैं जी, ठीक बिठाने वालों में ये पट्टी का इस्तेमाल हुआ है जी, बाकी नीचे की सारी चीजें वही है, लगभग पट्टे साइड में लगे हैं आप देख सकते हो जी, जो सालों साल आपके चलेंगे जी। और अब मैं बात करता हूँ कम से कम कितने एचपी का ट्रैक्टर इसे चला सकता है? 7 फीट के 39 hp का ट्रैक्टर हमारे 7 फुट रूटावेटर को आराम से चला सकता है, आराम से चला सकता है। अब बात आ जाती है डीजल खपत की, डीजल खपत तो ज्यादा नहीं रहने वाली, डीजल खपत साहब इसलिए ज्यादा नहीं होगी, मैं आपको फिर बताऊँ रूटावेटर के ब्लेडों की हेलिकल व्यवस्था, अगर मेरे भी रूटावेटर के ब्लेड ऊपर नीचे लगे होते तो ट्रैक्टर लोड मानता और ज्यादा तेल पीता जी। इन रूटावेटर मैंने आपसे बताया ना, एक टाइम में पौने दो ब्लेड जमीन के अंदर जाएगा जी, इन 8 inch में एक टाइम में पौने दो ब्लेड जमीन के अंदर जाएगा जी, तो लोड ऑटोमेटिक कम हो जाएगा जी, ये हमारी कंपनी की सोच है काम जी, उस हिसाब से ये मॉडल तैयार करा गया है जी। और अब मैं बात करता हूँ मेरा किसान भाई जैसा कोई रूटावेटर लेना चाहता है तो वह कैसे ले सकता है? वो साहब मेरी दुकान पर है, मुझसे बात करो रूटावेटर ले जाए जी, अभी कहीं भेजने की व्यवस्था होगी तो आप मुझे फोन पर संपर्क भी कर सकते हैं जी, मतलब कहीं जैसा और भी ऑल ओवर इंडिया आप जहाँ कहोगे वहाँ डिलीवरी हो जाएगी जी, मतलब पूरे भारत में आप कहीं भी पहुँचवा सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी पहुँचवा सकते हैं जी।
तो जो नंबर दिए गए हैं वीडियो में उन पर मेरा किसान भाई संपर्क करके आपसे बात कर सकता है। वो नंबर मेरे साहब, आप मेरे से संपर्क करें, मेरे से बात करें, मैं खुद ही मालिक अपनी फर्म का हूं। जी, और अब मैं बात करता हूं, जैसा किसी किसान भाई का बजट नहीं हो पाता कि वह सारे पैसे एक साथ दे दे, तो किस्तों पर व्यवस्था हो जाएगी ना? बिल्कुल बिल्कुल साहब, किसान भाई का एक आधार कार्ड, चार चेक, एक उसकी वाइफ का या पिताजी का आधार कार्ड, ठीक है साहब, और एक उनके गांव का किसी अन्य व्यक्ति का आधार कार्ड, ये हमें तीन सामान चाहिए होंगे जी। तो रूटावेटर फाइनेंस की सुविधा भी हो जाएगी, फाइनेंस की सुविधा भी हो जाएगी। फाइनेंस के लिए आपको हमें चार दिन का समय देना होगा, चार दिन का समय एकदम नहीं हो पाता फाइनेंस, आपकी सब कागज जमा होंगे, फाइल बनेगी, उसके बाद ही आपका फाइनेंस हो पाएगा जी। तो किसान भाई को फाइनेंस के लिए कितना डाउन पेमेंट करना होगा? कम से कम 30,000-40,000 रुपए कम से कम जमा कर दीजिए साहब, जितना ज्यादा पैसा देंगे उतना ही कम ब्याज उन पे पड़ेगा बाकी की रकम पे जी। तो हमारा तो मानना यही है कि आप अपने पैसों का ही ले जाओ सबसे अच्छा जी, मतलब नगद ही ले जाओ, नगद ही ले जाओ, उससे बढ़िया कुछ नहीं, आपके भी फालतू पैसे नहीं जाएंगे जी। और अब मैं बात करता हूँ, जैसे जुताई करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितनी गहराई लेगा? 12 इंची तक की गहराई ले लेता है साहब, वो डिपेंड करता है इन पट्टों के ऊपर, साइड के पट्टे जो आप इधर आइए जी, इन पट्टों के ऊपर साइड के जितने साइड के पट्टे लग रहे हैं, ऊपर नीचे कितनी जुताई लेना चाहते हो जी? तो इनसे जो है मेरा किसान भाई, इन्हें पट्टों को ऊपर नीचे करके इन पर गहराई इनकी ना बनवा सकते, वो हम जब किसान भाई आएंगे हम बताएंगे उनको कैसे क्या करना है जी। लेकिन ज्यादा भी ना बढ़ाए, वो इतने जितने जरूरत है उतना ही काम करें, मेरी सलाह तो ये है जी। और अब मैं बात करता हूँ इसके साइड गियर बॉक्स के बारे में। साइड गियर बॉक्स साहब हमारा 20-35-28 की गहराई साइड में लगी हुई है, 20-35-28 जी, और 4 लीटर इसमें सीएल आता है जी, ठीक है साहब। और उसके बाद अन्य बात मैं आपको बताऊंगा, इसमें कितना सीएल आता है? इसमें 4 लीटर आता है साहब गियर बॉक्स में जी। इसमें फिलहाल 15-20 की गरारी लगी हुई है, लेकिन ट्रैक्टर के अनुसार हमें गरारी का चेंजिंग करनी पड़ती है जी। जो ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड डाले वो चीज हम करेंगे ट्रैक्टर के अनुसार, जैसा ट्रैक्टर होगा आप अपने आप यहाँ पे सेट करके दोगे? हाँ, मैं अपने यहाँ सेट करके दूंगा, या आपको अगर गाँव में भी दिक्कत होगी मेरा बंदा आपके पास पहुंचेगा जी, ठीक है जी। कंपनी के साहब शुगर केन बीडर सत्यम कंपनी के, जो आप देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैरिंग जी, सबसे बड़ा बैरिंग, ठीक है जी, और सबसे मोटी शाफ्ट जी, हैवी नक्के जी, बड़ा गियर बक्सा जी, ये आपको मल्टी स्पीड में मिलेंगे, सिंगल स्पीड में मिलेंगे। आप बैरिंग का साइज देख सकते हैं, ये वाला बैरिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ, बड़ा बैरिंग जी, ये आप क्लियर बैरिंग देख सकते हैं, देखिए ये मेरे यहाँ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लियर जी, इसमें मैंने यहाँ सील लगा दी, यही सेम चीज है नहीं है आप बताइए? बहुत से लोग कह देते हैं कि हमारे यहाँ बड़ा लग रहा है, अरे बड़ा लग रहा है दिखाओ तो सही, मैं तो दिखा रहा हूँ ये ना, देख सकते हैं आप कितना बड़ा बैरिंग, किसान भाई किसान भाई बिल्कुल लाइव जो है आपको हम वो दिखा रहे हैं, दिखा रहा हूँ आपको चीज भी दिखा रहा हूँ, ये बच्चे का बीटर है और ये बड़े वालों का बीटर है, आप देख सकते हैं 3 का भी 2 का भी, मल्टी स्पीड भी सिंगल स्पीड भी जैसा आप चाहो जी। तो मतलब मेरा किसान भाई जैसा भी बीटर लेना चाहे तो उसे मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा, सत्यम कंपनी के ऊंचे ब्रांडेड बीटर है, आप इन्हें चलाए बहुत संतुष्ट ग्राहक है जी, इसकी वीडियो भी हम आपको भी डलवाएंगे जी। और आप देख सकते हैं, अब मैं बात करता हूँ जैसे मेरा किसान भाई रूटावेटर कितने कितने फीट में ले सकता है? रूटावेटर साहब देखिए, जैसे ट्रैक्टर होता है उसके हिसाब से ही रूटावेटर दिया जाता है जी। 40 हॉर्स पावर वाले से नीचे ट्रैक्टर वालों को हम 6 फुटा रूटावेटर देते हैं जी। उसके बाद जो 39 हॉर्स पावर से ऊपर ट्रैक्टर होते हैं उनको 7 फुटा देते हैं जी। जो 50 हॉर्स पावर ट्रैक्टर रूटावेटर पास कर देते हैं उन्हें हम 8 फुटा रूटावेटर देते हैं जी। मॉडल सारे हमारे पास अवेलेबल है, हमारी फैक्ट्री में सारा माल अवेलेबल है जी। तो जैसे मेरा किसान भाई रूटावेटर लेना आता है अपना ट्रैक्टर लेके, तो वो अपने डेमो ले सकता नहीं ले सकता? जैसे चला के देखना चाहता है सकता है, ले सकता है, अगर लेने की उसकी इच्छा है तो बिल्कुल डेमो ले, चलाए और ले जाए जी। मतलब जब संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट हो जाए जब तक अपने डेमो ले जी जी। तो मेरा के बाद भी अगर कोई शिकायत आती है तो हम जिम्मेदार है साहब, उनको चलवा के आएंगे, हम किसान भाई को सादा अकेला नहीं छोड़ सकते जी, मतलब चलवा के आएंगे। 75 साल से हमारे पापा भी इसी काम कर रहे हैं, आज तक संतुष्ट हमारे पास सारे संतुष्ट इलाज मिलेंगे आपको जी। तो किसान भाइयों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट कर जरूर बताना, और जिस भी किसान भाई को रूटावेटर लेना हो वीडियो में आपको नंबर मिल जाएंगे, उन नंबर पर संपर्क कर आप सर से बात कर सकते हैं।